अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन. होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे. सुबह सुबह का टाइम है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकडे का ब्रेकफास्ट रूटीन अलॉन्ग विद माई मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन एज वेल. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबको बताना चाहूँगी, होप यू रिलेट, मेरे चैनल का नेम है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहें. ऑल्सो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम भी शो कर रही हूँ, गौरा सिंह 28. सो लेट्स ज्वाइन थ्रू इंस्टाग्राम एज वेल. सो जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह का टाइम है और ये एक विंटर मॉर्निंग है, काफ़ी ठंड है बाहर. मेरी दोनों बेटियाँ सिया और भूमि अभी जग के आई हैं तो ठंडा था, इसलिए मैंने इनको थोड़ा यहाँ पर कुशंस वगैरह लगा के लिटा दिया है थोड़ी देर के लिए, तो दोनों थोड़ा कोजी फील कर रही हैं और इन्हें पानी वगैरह ऑफर किया है मैंने. सुबह के 7 बजे हैं अभी और मैं किचन में जाके अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी. तो वेडनेसडे को मुझे ऑमलेट बनानी होती है अकॉर्डिंग टू माय मील प्लान. सो ऑमलेट बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो निकाल लेती हूँ पहले. और मैंने भूमि को दूध बना के पिला दिया है, ऑल्सो चाय बनने के लिए रख देती हूँ. ऑल्सो यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करने से पहले मैंने रात को जो बादाम सोख किए थे उनको मैं छील लेती हूँ, तो कुछ मैं ले लूँगी और कुछ अपनी बेटी सिया को दूँगी. हस्बैंड अभी शावर लेने के लिए गए हुए हैं, जब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रखूँगी और उसके बाद क्विकली फिर मैं शावर लेने के लिए चली जाऊँगी, वो बच्चों को देखेंगी. एंड यूजुअली मेरा रूटीन ये रहता है कि ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि लंच का टाइम बच्चों के साथ बहुत जल्दी हो जाता है, देखते ही देखते 12-1 बज जाते हैं, तो मॉर्निंग में ही उसकी तैयारी भी करती हूँ. लेकिन आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज सिंपल सा मील बनाना है तो थोड़ी देर में हो जाएगा. ये स्पिनच मैंने चॉप कर लिया है और मैं शावर लेके क्विकली किचन में आ गई हूँ और ऑमलेट बनाना स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले मैं अपनी बेटी सिया के लिए ऑमलेट बना रही हूँ, तो उसकी ऑमलेट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ. 2 एग ब्रेक करके एक बोल में डाल लिए हैं और उसके बाद इसको अच्छे से विस्क कर दूंगी थोड़ा फेंट के. और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी हींग पाउडर, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन. काफ़ी लोग ऑमलेट में हींग नहीं डालते हैं बट मैं डालती हूँ, इट्स अप टू यू. और सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल दूंगी, सॉल्ट, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लिटिल बिट ऑफ आमचूर पाउडर. अच्छे से फेंट लूँगी सो दैट सारे मसाले इसके साथ मिक्स हो जाएं. और थोड़ा बटर लिया है पैन में और बटर जब मेल्ट होगा उसके बाद मैं जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करूँगी. और नेक्स्ट मैं हस्बैंड की ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ. सिया की ऑमलेट रेडी हो रही है तो इसमें मैं 3 eggs लूँगी. तीनों eggs को मैं थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी. आफ्टर दैट खूब सारा स्पिनच ऐड करूँगी. सो इट इज़ वन ऑफ द हेल्दी ऑप्शन टू इंक्लूड ग्रीन्स. अनियन भी ऐड की है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड मिक्स इट. और मेरी बेटी की ऑमलेट रेडी हो गई है, इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ. और ये मिक्सचर मैंने हस्बैंड की ऑमलेट के लिए रेडी कर लिया है तो इसको अच्छे से मैं फेंट रही हूँ सो दैट सारी वेजीज और मसाले कंबाइन हो जाएं. ये है मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट, तो मैं सिया को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ. थोड़े से बटर के साथ मैंने सर्व किया है उसे. सो हस्बैंड की ऑमलेट बनाने के लिए मैं कनोला ऑयल का कुकिंग स्प्रे जो है ये पैन में डालूंगी. पैन ऑलरेडी गर्म है तो बस जल्दी से कुकिंग स्प्रे डालना है थोड़ा सा और उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी. एक फॉक की या स्पून की हेल्प से जो भी स्पिनच इधर उधर हो गया है उसको बैलेंस कर दूंगी चारों तरफ. और अब मैं अपने लिए भी तैयारी कर लेती हूँ, तो 2 eggs लूँगी. मैंने अपनी बेटी को ऑमलेट सर्व कर दी है तो तब तक वो खा रही है और मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ. और मेरी छोटी डॉटर भूमि
उसको मैंने दूध पिलाया है तो थोड़ा टाइम है उसके ब्रेकफास्ट में। मैं अपने लिए जो ऑमलेट बना रही हूँ इन द सेम वे जैसे हस्बैंड के लिए बनाई है वैसे ही बनाऊंगी। और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चाय भी उनको मैंने सर्व कर दी है कप में, और ऑमलेट जो है उसे भी सर्व करके मैं उनके डेस्क पे ही देके आ जाऊंगी क्योंकि उनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये हो गया उनका ब्रेकफास्ट, स्पिनच ऑमलेट विद सम मैगी केचप एंड चाय, तो उनके डेस्क पे देने जा रही हूँ मैं। क्विकली मैं उनका देकर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट और इसके बाद मैं अपनी ऑमलेट रेडी कर लेती हूँ। तो सेम मैंने कुकिंग स्प्रे डाला था, उसके बाद इसको कोट कर दिया है इवनली, और क्योंकि ऑमलेट बनाई है तो हाथ वगैरह टच हो जाते हैं डब्बों पे, मसाला बॉक्स पे, तो जो भी सामान यूज़ किया है उसको एक बार टॉवल से अच्छे से पोंछ के ही रखूँगी। और थोड़ा स्पिनच एक्स्ट्रा ही चॉप कर लिया था तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दूँगी, तो जैसे डो में डाल दूँगी इसको या फिर अपनी छोटी डॉटर भूमि के खिचड़ी वगैरह में डाल दूँगी, तो ऐसे ये काम आ जाएगा। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ अभी। और हस्बैंड की चाय छानी थी, अपने लिए भी कप में चाय छान ली है और मैं एक दो सिप चाय के भी ले रही हूँ और क्विकली अपनी ऑमलेट रेडी होने का वेट कर रही हूँ। और मेरी ऑमलेट भी बस रेडी होने वाली है, मैंने काउंटर वगैरह उसका सारा सामान सब कुछ उसकी प्लेसेस पे रख दिया है। और मेरी बेटी है ये भूमि, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहूँगी, तो बच्चे भी बीच बीच में आ जाते हैं, थोड़ा उनको भी पैम्पर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो अभी दीदी के साथ खेलेगी थोड़ी देर ये। और ये रही मेरी ऑमलेट, निकाल लेती हूँ मैं इसको अपनी प्लेट में और तसल्ली से बैठ के आराम से इंजॉय करते हुए नाश्ता करूँगी। सो ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील फॉर मी, और अगर अच्छे से ब्रेकफास्ट करूँ और खुश रह के चाय वगैरह पीऊँ तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। सो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं 5-7 मिनट्स में बेडरूम में बिस्तर वगैरह ठीक करके किचन में आ गई हूँ। इसके बाद अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट कराऊंगी, बट उससे पहले जो भी मेरे बर्तन वगैरह धुले रखे हैं उन सबको उनकी प्लेसेस पे लगा देती हूँ। सो अभी मैं अपनी डॉटर भूमि को ब्रेकफास्ट कराऊंगी, तो उसको मैंने कई बार एग ट्राई कराया है बट वो स्पिट कर देती है, सो आई हैव टू कीप ट्राइंग। और अभी उसका ब्रेकफास्ट जो है वो है सीरियल अलॉन्ग विद दूध, तो मैंने वार्म दूध में सीरियल थोड़ी देर सोक करने के लिए रख दिए थे और वो सॉफ्ट हो गए हैं। और भूमि को ब्रेकफास्ट में सीरियल खिलाया तो अब सिया बोल रही है कि उसे भी थोड़ा सा सीरियल दे दूं ब्रेकफास्ट में, तो मैंने एक छोटे बोल में उसे सर्व कर दिया है। सो भूमि खेल रही है, सिया सीरियल खा रही है, मैं किचन में आ गई हूँ फिर से कुछ काम करने, तो काउंटर वगैरह मैं ऑलरेडी वाइप कर चुकी हूँ साथ के साथ ही। 9:02 टाइम हुआ है और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं सिंक में, यू कैन सी दैट। तो जब भी मैं इतने सारे बर्तन वगैरह किचन में देखती हूँ तो मुझे एक कोट याद आता है जो मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था, दैट अ मैसी किचन सिग्निफाइज अ हेल्दी एंड अ हैप्पी मील फॉर द फैमिली, सो दिस इज़ वॉट इट इज़। तो ये साफ़ सफाई तो चलती रहेगी और कुकिंग के बर्तन तो डेफिनेटली होंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा पहला स्टेप रहेगा इन सारे बर्तनों को मैं डिशवॉशर में लोड कर दूं। तो डिशवॉशर में जैसे ही बर्तन धुल जाते हैं तो मैं खाली रखती हूं सो दैट बर्तन जो है उसमें लोड कर पाऊं टाइमली। सो डिशवॉशर में बर्तन ऐड करने से पहले मैं एक ब्रश की हेल्प से जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह चिपके रहते हैं उनको एक बार हटा देती हूँ। वैसे आजकल डिशवॉशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं और डिशवॉशिंग पॉड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं, अगर आप ना भी हटाएं तो चलेगा बट आई प्रेफर टू डू सो। और जो बड़े पॉट्स एंड पैन्स होते हैं आई प्रेफर टू वॉश इट विद हैंड्स, क्योंकि वो डिशवॉशर में डालने से कई बार ख़राब भी हो सकते हैं।
और बच्चों के लिए जो स्ट्रॉ यूज़ होते हैं दूध वगैरह के लिए, उनको मैं स्ट्रॉ क्लीनर ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी गंदगी जमा हो सकती है। और ये डिशवॉशर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो अच्छे से नहीं धुलेंगे उसमें, सो इट्स बेटर टू वॉश इट विद माई हैंड्स। और एक बार सारे डिशवॉशर में बर्तन डल गए, सिंक साफ़ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सारी बॉटल्स को धो के भरने का। सो एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में ये बॉटल्स धो के ज़रूर भर देती हूँ। सो टाइम हो गया है अराउंड 9:26, आप स्टोव टॉप में देख सकते हो, एंड आई हैव क्लीन्ड ऑल माई किचन, काउंटर्स वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, जो भी बॉटल्स जग्स हैं सब भर के रख दिए हैं, सिंक साफ़ है, बड़े बर्तन धो के रख दिए हैं, और दूसरी साइड वाला काउंटर भी साफ़ कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल, एंड अब इतनी साफ़ सुथरी किचन है तो मेरा कभी कभी मन करता है तो मैं कैंडल लाइट अप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कैंडल लाइट अप कर ली है, यूजुअली इस टाइम तक मेरा लंच भी रेडी हो जाता है, बट क्योंकि आज मेरे को सिंपली दाल राइस बनाने हैं और भूमि भी दाल राइस खा लेती है, तो मैं एक कप तुअर दाल या फिर अरहर दाल, जो भी आप कहना चाहें, उसको सोक कर दूंगी, और एक कप राइस, और राइस को मैं ज़्यादा विसल्स लगाऊंगी तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो दाल राइस मिक्स करके थोड़ा घी डाल के भूमि को भी वही खिला दूंगी। सो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं आज मुझे। और ये है, बच्चे काफ़ी देर खेल रहे थे और थोड़ी देर लास्ट का थोड़ा काम रह गया था तो मैंने राइम्स चला दिए थे, तो अभी मैं बच्चों की राइम्स चला के आ गई हूँ, और जल्दी से मैं ये क्लीन अप कर देती हूँ फ्लोर को। तो फ्लोर का क्लीन अप ऐसा रहता है कि मैं झाड़ू लगा के और वाइप की हेल्प से या फिर एक पोछे की हेल्प से जो है ये फ्लोर साफ़ कर देती हूँ। छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो झाड़ू लगा दूंगी और एक डिसइंफेक्टेंट वाइप लेके उसको पूरा पोंछ दूंगी, तो इस तरह से फ्लोर साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लोर पे मैं एक कारपेट ज़रूर बिछा के रखती हूँ क्योंकि मुझे बेटर लगता है। पहले मैंने दो कारपेट लगाए हुए थे, वो थोड़े ओल्ड हो गए थे तो मैंने हटा दिए हैं, अभी ये वाला लगाया है और ये लॉन्ड्री में धुल जाता है, सो इट्स गुड। ये वॉशेबल है, जब भी मुझे लगता है कि गंदा हो गया है तो मैं ये लॉन्ड्री में धो देती हूँ। 9:35 हो गए हैं और चलिए अब मैं किचन से बाहर जाती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, अपने आप को हाइड्रेट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और थोड़ा पानी पी रही हूँ मैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन, बाकी जो है वो लंच पार्ट में मैं फिर कभी शेयर करूँगी। एंड गाइज, आप सब लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट देते हो अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने वैल्यूएबल फीडबैक के थ्रू, उस सब के लिए थैंक यू। एंड मिलती हूँ फिर किसी नए व्लॉग या वीडियो में। बाय एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड प्लीज़।